के लिए। और आज ये प्रोग्राम बहुफोर्ट में भी कुछ ही देर में, इसकी जो ये आप दीवार देख रहे हैं बहुफोर्ट की, यहाँ पर लेजर लाइट्स के जरिए जो है वो जम्मू के कल्चर को दिखाया जाएगा, पुराने हेरिटेज को बताया जाएगा और किस तरह से जम्मू शहर बना था ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ पर जूही सिंह जो है वो अपनी डोगरी प्रस्तुति दे रही है और इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो रंगारंग अपनी जो प्रस्तुति से यहाँ पे लोगों का मनोरंजन भी कर रही है। सबसे बड़ी बात जो है आइकॉनिक वीक जो चल रहा है उसमें जो जम्मू टूरिज्म है, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, ये तमाम एजेंसीज ये पूरे आइकॉनिक वीक में जो है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर जम्मू कश्मीर एंड टेरिटरी में कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पर कई सारे सिंगर्स भी आए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन भी हुई है। और आज जो लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर अभी होने वाला है तो उसके लिए मंच सजा हुआ है। जो सिंगर है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, डोगरी गाने गा रही है और गेस्ट की लिस्ट में यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, एडीजी जम्मू, एसएसपी जम्मू, कमिश्नर जेएमसी और बहुत सारे लोग खास तौर पे इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, जम्मू की सेंट्रल अट्रैक्शन है बहुफोर्ट, बागे बहु, माता बाई वाली टेम्पल, और सबसे बड़ी बात इसी को फोकस करके यहाँ पर ये पूरा एक लेजर शो जो भी थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और इसी दीवार पर जो हेरिटेज है, जो कहानी है जम्मू की इतिहास की, उसे दर्शाया जाएगा थ्रू लाइट्स। तो हर कोई उत्साहित है, काफ़ी पूरा ये जो वेन्यू है वो भरा हुआ है लोगों से और लगातार लोगों का आना भी जारी है। और सबसे बड़ी बात इसी के माध्यम से, क्योंकि ये बहुफोर्ट का जो किला है ये पूरे जम्मू शहर से ही दिखता है। अगर हम बात करें चारों पुल से जब आप गुजरते हैं तो लोग नतमस्तक होते हुए माता को प्रणाम करते हुए जाते हैं और बहुफोर्ट को ही देखते हुए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसको हम आपको स्टेट टाइम के लाइव ब्रॉडकास्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, आप पूरे इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। और थोड़ी देर में हम आपको जब यहाँ पर लेज़र पूरा शो चलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लगातार हम आपको अपनी लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। क्यों ना डोगरी दी मिट्टी स्थान जेडी है इस लिस्टारे कने मिक्स करी ओड़ने आ, एमलगेमेट करी ओड़ने आ, उसी दे अंदर ना स्मार्ट सिटी। एक सारा मैशअप जेड़ा हा बड़ा के तुसे पसंद कीता हा सारे, ते मैं सोचा नहीं कि मैशअप बड़ा जरूरी है क्योंकि स्मार्ट पीपल आर बिल्कुल, तो जम्मू साड़ी स्मार्ट सिटी है एंड साड़ा मेरा ते मेरे भ्रा का इक्के इनिशिएटिव हा कि असें इस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का यूज फोक करने करना है तो असं फ्यूजन बनाना है, क्योंकि अस ते आखने हैं कि अस डोगरी बोलते हैं अस ते आखने, लेकिन वो चीज़ जेहड़े अंग्रेजी बोलते उन्हें भी पता होनी चाहिए ना, तो अस इे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया इो तो उसी फोक करने मिलाया। बिल्कुल इे गल है जूही, क्योंकि जिहड़ी जिहड़ी राह उपर तुस चला दे हो ना इे एक सोच जिहड़ी है, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की भी यही एक सोच है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे ट्रेडिशंस को फ्यूज करके इम्बाइब करके ट्रेडिशनल इथॉस के साथ ले करके मॉडर्निटी के साथ जोड़ा जाए, ताकि हमारी कम्युनिटीज, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज भी आगे बढ़ता रहे और साथ साथ बढ़ती रहे हमारी पीढ़ियाँ, और इन नई पीढ़ियों के साथ साथ होता रहे आधुनिक हमारा इतिहास भी। तो इतिहास आधुनिक होता है तभी जब इस तरह की पीढ़ियाँ आधुनिकता के साथ साथ अपनी मिट्टी की महक लेकर के चलती हैं। तो जोरदार तालियां हमारी हर उस मिट्टी के लिए जिस मिट्टी से हम बिलोंग करते हैं और आज यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं। और देखिए आप तालियां बजा रहे थे तो मुझे नजर में आया कि मुझे लगता हर कोई यहाँ जो पहली पंक्ति में ही बैठा है, मैं पीछे की ओर तो जाऊंगी ही नहीं, जो पहली पंक्ति में ही बैठे हैं, हम सभी जो हैं अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग मिट्टी की खुशबू लेकर के यहाँ जम्मू की मिट्टी की खुशबू के साथ रच बस गए हैं और इसी डोगरी मिट्टी के एहसास के साथ जुड़ गए हैं। तो जोरदार तालियां हम सबके उस एहसास के लिए जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारे जन्म स्थल की मिट्टी के साथ। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि थैंक यू सो मच अवनी लवासा मैम एंड जितने भी मेरे सामने बैठे हैं हायर ऑफिशियल्स एंड साढ़े जम्मू की जी जम्मू स्मार्ट सिटी है, बड़े सारे स्मार्ट लोग बैठे हुए तो उनके सामने एक मैशअप डोगरी मैशअप, बड़े सारे तुसे अरिजीत मैशअप सुने दे होने,
है ना, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर ने मैशअप सुने थे, उनके तो डोगरी मैशअप भी सुन लो। आप सबसे ये बात साझा की कि हमारे जो ये सजिंदे जो ये कलाकार यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत ही माहिर कलाकार हैं और इनकी कलाकारी का हुनर तो आप सबके सामने आना चाहिए कि नहीं, जोरदार तालियों से मुझे बताइएगा। तो हम गुजारिश करेंगे जोगिंदर पाल जी से और संजय पाशी जी से कि छोटी सी जुगलबंदी तो यहाँ पे होनी ही होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम
जूही के पास पहुंच जाएंगे। तो जुगलबंदी के लिए आप सब तैयार हैं? कैसे पता चलेगा? जुगलबंदी के लिए हम सब तैयार हैं? ठीक है, चलिए सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। मौका है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, और आज तो आलम भी ऐसा ही है। उसकी तस्वीरें हैं और यहाँ पर अभी लेजर डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो एक थीम है, सबसे पहले वो डिस्प्ले हो रही है। पूरे ये फोर्ट की वॉल है, उसके ऊपर थ्रू लेजर लाइट्स के यहाँ पर अभी प्रोग्राम ये पूरा दिखाया जाएगा, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ना ही यहाँ से बल्कि पूरे जम्मू शहर के हर कोने से इसको भी देखा जा सकता है। और जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और वो मोमेंट अभी शुरू हो गया है। हालांकि कलाकार भी साथ साथ में इस पूरे जो कार्यक्रम में है उसमें अपने गानों से जो है छटा बिखेर रहे हैं, लेकिन जो लेज़र शो है वो उसकी जो है अब तैयारी कर ली गई है, और अब वहाँ पर ये डिस्प्ले होगा। हम आपको लगातार लाइव विजुअल में स्टेट टाइम के माध्यम से दिखा रहे हैं, और जम्मू में ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इस जगह पर हो रहा है ये। और हालांकि पहले भी छोटे स्तर पे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पे ऐसा कहीं नहीं हुआ। और जो जो एक आइकॉनिक फेस्टिवल जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव है, उसमें जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, तो उसके तहत आज लाइट एंड साउंड शो जो है वो बहुफोर्ट में वो चल रहा है, और जिसमें जो हाई ऑफिशियल्स हमने जैसे पहले बताया, ADGP जम्मू, DC जम्मू, मेयर जम्मू, उसके अलावा
खुद कमिश्नर जीएमसी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है उससे जुड़े हुए तमाम लोग और बहुत सारे जम्मू वासी जो हैं फिलहाल यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस पूरी छटा का जो है वो मनोरम जो है वो दृश्यों का वो इस समय पूरा लुत्फ ले रहे हैं। Bye.
मी लगा था तुसें कुछ गीत पसंद नहीं आ करदे ते मी लब्भा दा वी करदे नहीं लब्भा दा मी ते जेड़ा गीत जेड़ा तुसें सुने दा है बंदू मजूरिया नहीं होलाना तो तुसें सुना दिया मी लगा तुसें पसंद नहीं आ। बिल्कुल जूही सारे की ये पसंद आना गीत एदी गारंटी मैं दिनी हां क्योंकि पीछे मैं बिच लोकें दे खड़ोते दी हां ते मैं देखा नहीं इंदे चेहरे जेड़े हैं ना इंदे ऊपर मुस्कुराहट अली भी है ते हसा दे खेड़ा दे ते जिल्ले तक बोर नहीं होंदे मैं तुसे इत्थों के इशारा करी ओड़गी कि भैने हुन बोर होन लगे चेंज कर ठीक है ते ट्यून इन एंड कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। Thank you.
शहर के पुराने दिल में नई धड़कनें भर दें, शहर के पुराने दिल में नई धड़कनें भर दें, आओ इस महल की सोनी दीवारों में रंग भर दें, इसे रंगीन कर दें, विरासत को हसीन कर दें, इतिहास को हसीन कर दें। बस कुछ पल की देरी और उसके बाद आप देखेंगे दिस Bahu Fort विल बी इल्यूमिनेटेड विद facade लाइट्स वंस अगेन जस्ट फॉर यू। टिल देन एंजॉय जूही सिंगिंग। Thank you.
पूछना चाहती हूँ, आपने एक मैशअप बनाया था, मैं ना एक्चुअली अभी अभी हमारे ना जैसे सियासी भाषा में कहते हैं जनता के बीच, तो मैं जनता के बीच गई हुई थी और अभी अभी मुझे कुछ लोग वहाँ मिले, कुछ यंगस्टर्स वहाँ मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि मैम जूही मैम ने ना जूही ने अपने ब्रदर के साथ मिलकर एक मैशअप बनाया था गीतों का, तो वो मैशअप उन्होंने गा दिया है क्या? आपने वो मैशअप गा दिया है? मैंने वो मैशअप गा दिया लेकिन मैं फिर से गाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप उसे रिपीट कर सकती हैं, क्योंकि कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी एक वाइब मिलती है कि अगर हमारे यंगस्टर्स किसी ना किसी तरह हमारी भाषा से जुड़े रहें, हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, तो हम ऐसा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए आपसे एक बार फिर गुजारिश कि वो मैशअप एक बार फिर से सुना दीजिए। क्या कहते हैं, सुनेंगे दोबारा से? लेकिन इस बार ना तालियां साथ साथ बजनी चाहिए। लेट्स एंजॉय द इवनिंग। देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना सुहाना कार्यक्रम हमने आज तक जम्मू में मैं कभी नहीं देखा है कि हम तवी के किनारे बैठे हैं, मध्यम मध्यम सी हवा चल रही है, खुला आकाश है, आजादी का अमृत महोत्सव है, तो मनाइए ना जश्न खुलकर तालियों के साथ। मैशअप गाने से पहले मैं सोचूं एक गाना जरूर गाऊं। गाने की बोल है चंद माड़ा चढ़िया, तो बहुत इस गाने की भी बहुत अच्छी मतलब बात यह है कि एक लड़की है जो अपने पति का वेट कर रही है और तो वो अपने पति का वेट कर रही है और ऐसा होता था मतलब पुराने जमाने क्यों होता था कि जी अज के फौज च होंगे सारे पुलिस च होंगे पहले सारे राजे के जो सिपाही होंगे ने तो इं गए जनानी जी अपने घर वाले का वेट करा करती है तो बड़ी सारी गल्ला वो चन्न की दिखती है तो आखती है कि तुम उठे हो तो ये गाना जोड़ा है इस प्यार की दर्शाता है तो जरूर मैं सही सुना दिते
much, Juhi. Thanks a lot for this scintillating performance. पगड़ी टोपी पहचान नहीं, पहचान मेरी तो भारत है. पगड़ी टोपी पहचान नहीं, पहचान मेरी तो भारत है. जिस पर न्योछावर जान करूं वो आन मेरी तो भारत है. गीतों में मेरे है भारत, कविता के गान में भारत है. इस दिल में बसता है भारत, हर श्वास में मेरे भारत है. और ये भारत और इस भारत की अभिव्यक्ति हर उस भारतीय के अंदर है जो जुड़ा है अपने ट्रेडिशन से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से. और इस विरासत को आगे ले जाना और उसे आधुनिकता से जोड़ते रहना, यही तो है आत्मनिर्भर भारत की पहचान, यही है आजादी का अमृत महोत्सव. प्रेजेंटिंग बिफोर यू इल्यूमिनेशन ऑफ बाहू फोर्ट, भव्य भावी इस बाहू किले को प्रज्वलित किया जाए. जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने संस्थापक राजा जम्बू लोचन के नाम पर पड़ा. कहा जाता है कि राजा बनने के बाद जब जम्बू लोचन एक दिन शिकार पर गए, तब वे तावी नदी पार कर रहे थे और तब उन्होंने देखा कि एक हिरन और एक बाघ एक ही जलकोष से जल ग्रहण कर रहे हैं, कि यहाँ की धरती इतनी पावन है कि कोई भी जीव जंतु एक दूसरे से शत्रुता नहीं करता.
यह देख राजा जम्बू लोचन ने यह निश्चय किया कि वह अपनी राजधानी जम्मूपुरा इसी धरती पर बनाएंगे और ठीक उनके भाई राजा बाहु के किले के सामने होगी। बाद में जम्मूपुरा को जम्मू के नाम से भी जाना गया। जम्मू के पुराने मंदिर। जम्मू मंदिरों के शहर के नाम से लोकप्रिय है। इस शहर में आकर आध्यात्म व स्वर्ग की अनुभूति होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत से पवित्र स्थल हैं। रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर जम्मू में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण प्रथम डोगरा शासक महाराज गुलाब सिंह ने वर्ष 1835 में किया था। बाद में उनके पुत्र महाराज रणवीर सिंह ने वर्ष 1860 में डोगरा शासन के दौरान इस निर्माण को पूर्ण किया। मंदिर के परिसर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पर पीठासीन देवता भगवान राम हैं, जिन्हें रघुनाथ, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार है, के नाम से भी जाना जाता है। सर्पिल आकार के सभी गुंबद स्वर्ण से सुसज्जित हैं। रणबीरेश्वर मंदिर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर रणबीरेश्वर मंदिर जम्मू में भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1883 में महाराज रणवीर सिंह के द्वारा कराया गया था। मंदिर के मध्य में स्थित शिवलिंग 8 फीट ऊंचा है। इस फटीक से बने हुए अन्य 12 शिवलिंग 15 से 38 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। इस मंदिर का निर्माण भी डोगरा शासन के दौरान ही हुआ था। मंदिर के दीर्घा में नर्मदा नदी से लाए हुए 125,000 शिवलिंग स्थापित हैं, जो कि पत्थर से बने हुए हैं। मंदिर के अंदर भगवान गणेश, कार्तिकेय व नंदी के चित्र भी देखे जा सकते हैं। पंच बख्तर मंदिर। पंच बख्तर मंदिर, जो कि रुपए वाले मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, जम्मू के पुराने शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ पर महादेव पंचमुखी हैं और यह शिवलिंग आप शंभु प्रकट हुए माने जाते हैं। इस प्राचीन मंदिर की आध्यात्मिक विरासत है। लगभग 20 कनाल में विस्तृत मंदिर परिसर में मंदिरों का समूह मौजूद है। यह मंदिर शहर के मध्य में पंचवख्तर महादेव साथ पर स्थित है। इस मंदिर को बहुत समय से दशनम अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। यह अखाड़ा अमरनाथ यात्रा से बहुत ही गहराई से जुड़ा है। बाबे वाली माता मंदिर। यह माँ महाकाली का मंदिर है, जो कि बाबे वाली माता मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे मंच पर कराया गया है, जिसमें माँ महाकाली की काले पत्थर से बनी मूर्ति है। यह मंदिर ऐतिहासिक बाहु किले के भीतर स्थित है, जो कि तवी नदी के निकट है। आसपास के वन क्षेत्र को एक खूबसूरत उद्यान में बदला गया है, जिसे बागे बाहु के नाम से जानते हैं। मुगल उद्यानों की तर्ज पर बने बगीचे से जम्मू शहर का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। 3.9 फीट ऊंचे मंदिर पर सफेद पत्थर से बनाए गए इस मंदिर में माँ महाकाली की मूर्ति है। We'll be right back.
तो यहाँ पर ये जो आपने लेजर शो भी देखा, जो अभी जिसमें जम्मू की मुख्य जगहें जो हैं वो दिखाई गई हैं, और फिलहाल अब ये कार्यक्रम यहाँ उसका समापन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो भी लोग आए थे उन्होंने ये पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का जो है वो उसका इतिहास बने हैं, और उम्मीद यही है इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आइकॉनिक वीक के तहत जो अलग अलग कार्यक्रम जम्मू में हो रहे हैं उसके तहत ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। डिग्निटरीज हैं यहाँ से, अब वो धीरे धीरे करके अब रुख्सत ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात लोग अंततः एक बार ये यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो रहा है, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें दीजिए अलविदा। बिरजल स्पॉन्सर मां के साथ ख्वाहिश पटियाल बहुफोर्ट जमा।